पीएम मोदी की अपील के बाद बीजेपी ने देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। दरअसल पीएम मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस के दिन हर घर में तिरंगा लगाने की अपील की है। हालांकि हर घर तिरंगा अभियान सियासत की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने इस पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया। तिरंगा हमारी आजादी का प्रतीक है, तिरंगा हमारी शान है। हमारे पूर्वजों ने बड़े ही संघर्ष से गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी हासिल की थी। तिरंगा हमें उन सब बलिदानों की याद तो दिलाता ही है, लेकिन इसके साथ ही हमें दुनिया में गर्व के साथ सिर उठाकर जीने का अवसर भी देता है। लेकिन आज के वक्त में ये तिरंगा भी सियासत से नहीं बच पा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर पिछले साल यानी 2022 में पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। पिछले साल की तरह ही इस साल भी पीएम मोदी ने 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। पीएम ने ट्वीट के जरिए कहा था कि भारत का झंडा आजादी की भावना और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। बीजेपी ने पीएम के आह्वान के बाद बड़े स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाने की तैयारी की है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कह दिया है कि बीजेपी सियासत के लिए तिरंगे का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, वो खुद असल में गिल्टी कॉन्शियस है ना। उनकी मदर संस्थाओं ने 60 साल तक तिरंगा नहीं फहराया अपने मुख्यालय के ऊपर। हमने तिरंगा अपने दिल से लगाया। जिस वक्त ये कानून था कि सनसेट के बाद तिरंगे को लपेट के रख दिया जाए, हमारे घरों पे 15 अगस्त को जब से फैलाया जा रहा है ये तमाशा। इस तिरंगे का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। हमने देखा कि मकानों की छतों पे 5 महीने बाद वो फट चुका है, लेकिन फिर भी लहरा रहे हैं, तो ये बेद भी नहीं है कि अब तिरंगे की। वही हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बक ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि घर में तिरंगा लगाया जाए, दिल में तिरंगा होना चाहिए। दिखाने के लिए दुनिया को कि साहब हम झंडा निकाल लें, अरे भाई जब 15 अगस्त आएगी तो उस दिन पब्लिक में हर जगह ये खुशी होती है कि भाई इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। बस दिखावा है ये, तो इनकी अपनी मर्जी की ये कार्रवाई है। हाँ, इसमें कोई वो है ये तो है नहीं कि फर्ज है क्या निकालना है इनको, ये तो अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है इनका। वही बर्क के अभियान पर बीजेपी बिफर गई। मुझे लगता है शफीकुर रहमान बर्क देश की मूल विचारधारा के साथ चल नहीं पा रहे हैं। अगर अपने एक देश के झंडे के प्रति सम्मान नहीं है तो क्या उन्हें पाकिस्तान के झंडे के प्रति प्रेम है क्या? ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि देश के संविधान के प्रति, देश के झंडे के प्रति, देश के राष्ट्रगीत के प्रति कभी भी सम्मानजनक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है? और यह समाजवादी पार्टी का सोचा समझा है कि ये उनकी जो नीति है कि तुष्टिकरण की नीति के तहत उस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं। बर्क के बयान पर बीजेपी हमलावर हुई तो समाजवादी पार्टी ने भी तिरंगे को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। तिरंगा हमारे भारत के संविधान का प्रतिबिंब है, तिरंगा हमारे भारत के लोगों का प्रतिबिंब है, लेकिन जो बीजेपी आरएसएस है, जो तिरंगा की शहादत है, तिरंगा का जो सपना है, 125 करोड़ जनता से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कट चुकी है। शफीकुर रहमान जी बहुत बुजुर्ग नेता हैं समाजवादी आंदोलन के और लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। उन्होंने सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की जो भावना है तिरंगा के अंदर, उसे कटने की क्या जरूरत है। एक तरफ हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सियासत चल रही है तो वहीं बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने मुस्लिमों से अपील की है कि वो अपनी दुकान और मकान पर तिरंगा झंडा लगाएं। इसके साथ ही मदरसों में भी तिरंगा लगाया जाए। बिलखुसूस मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि तिरंगा झंडा अपने दुकानों मकानों पर लगाएं, और खास तौर पर जो मजहबी इदारे हैं, मदरसे हैं, उन मदरसों में भी तिरंगा झंडा लहराएं और जश्न आज़ादी के प्रोग्राम मुनक़िद करें। आज से झंडा लगाएं और ये झंडा 16 अगस्त तक लगना चाहिए।
हमारे देश के सैनिक इसी तिरंगे की आन बान और शान के लिए बॉर्डर पर 24 घंटे तैनात रहते हैं। वो अपने प्राणों की बाजी लगाते समय एक पल के लिए भी नहीं सोचते, लेकिन सियासी दलों ने तिरंगे को भी अपनी सियासत चमकाने का जरिया बना लिया है। टीम न्यूज़ स्टेट।